वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ ये पल्सर NS200 है। मैं इसमें इंस्टॉल करने जा रहा हूँ इरिडियम का स्पार्क प्लग। इसमें ट्रिपल स्पार्क प्लग है और मैंने 3 पीस इरिडियम स्पार्क प्लग खरीदा है NGK का, और मैं इसे इंस्टॉल करने जा रहा हूँ NS पे। तो सारा प्रोसेस देखने के लिए वीडियो के एंड तक देखिएगा और स्किप मत करिएगा। करण की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो आइए देखते हैं करण की ये वीडियो। सो गाइज, ये रही स्पार्क प्लग। ये वाली है लेजर इरिडियम, और ये जो जिसे मास्टर प्लग कहते हैं, इसकी प्राइस पड़ी है 370 रुपये। और ये दो जो साइड में प्लग लगते हैं नॉर्मल वाले, ये दो हैं, और इसके प्राइस पड़े हैं मुझे 688। तो गाइस चलिए इसे इंस्टॉल करते हैं। और इसे इंस्टॉल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी में जो परफॉर्मेंस है उसको हमें अपग्रेड करना है। हमें गाड़ी की पिकअप बढ़ानी है, माइलेज बढ़ानी है, और जो कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम होती है सुबह में उसे हमें ठीक करना है, और बहुत सारे है इस पर। तो चलिए बताते हैं आपको थोड़ी देर पर। गाइस ये है प्लग रेंच जो कि आपको टूल बॉक्स में मिल जाता है, तो इसी से हमें ओपन करना है प्लग को। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। पहले हमें प्लग का जो कैप है उसे रिमूव करना है, उसके बाद जो बड़ा वाला पाना है, ये जो ऊपर वाला है, ये से हमें इंसर्ट करना है। So guys, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो स्पार्क प्लग जो NS मैंने निकाला है, ये है स्टॉक स्पार्क प्लग इसका। और इसकी आप कंडीशन देख सकते हैं, ये कि इसमें कितना कार्बन डिपॉजिट है, और इस गाड़ी माइलेज भी नहीं दे रही है। अप टू 30 किलोमीटर की एवरेज होगी इस पर। और आप ये देख सकते हैं, ये चैम्पियन की स्पार्क प्लग कंपनी बाई डिफ़ॉल्ट इसमें देती है। तो चलिए अब इसे इंस्टॉल करते हैं इसमें इरिडियम, और फिर बताता हूँ उसकी परफॉर्मेंस में क्या क्या अपग्रेडेशन मिला है। गाइस सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं मास्टर प्लग जो सबसे मोटा है और जिसका थ्रेड बहुत लंबा है। खोलते हैं इसे। सो गाइस कुछ इस तरह का स्पार्क प्लग है। अब इसका इलेक्ट्रोड देख सकते हैं, एकदम पतला है, और इसमें जो मटेरियल यूज है वो इरिडियम है। तो सबसे पहले इसे इंस्टॉल करते हैं, और इसका पार्ट नंबर है LKARAI9। तो आप नोट कर सकते हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कहाँ से बाई करना है इसको। तो चलिए इसे लगाते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं जो मास्टर प्लग है वो NGK का इंस्टॉल हो गया है। और अब इंस्टॉल करते हैं ये साइड वाला प्लग, ये लेफ्ट साइड का और सेम ऐसा राइट साइड पे है, तो वो इंस्टॉल करते हैं अब। सो गाइस स्पार्क प्लग इंस्टॉल करने पहले कि इसमें थ्रेड में थोड़ा सा WD-40 स्प्रे कर लेंगे, ताकि जो है बाद में कभी खोलना होता है तो वो जाम हो जाता है, यहाँ से ओपन नहीं होता, बहुत टाइट हो जाता है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे स्प्रे कर देंगे ताकि जाम ना हो।
एकदम माइनर स्प्रे करना है, हल्का हल्का, ज़्यादा ओवर स्प्रे नहीं करना है इसे। इसको स्प्रे करने से कुछ इंजन में नुकसान नहीं होता, आप उसका टेंशन मत लीजिए। खाली ये थ्रेड को जो है फ्री रखने के लिए स्प्रे किया है इस पर। तो गाइस प्लग तो लग गई है साइड का, और जो स्पार्क प्लग का कैप होता है वो लगा देते हैं। पहले अंदर का लगाएंगे, उसके बाद बाहर का लगाएंगे। ये है राइट साइड वाला प्लग, तो इसमें थोड़ा सा स्प्रे कर देते हैं WD-40। उसके बाद इसे इंस्टॉल करते हैं। तो गाइस स्पार्क प्लग जो है इंस्टॉल हो चुकी है, अब बारी आती है इसे स्टार्ट करने की। तो स्टार्टर का देखते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट आया है। तो गाइस पहले चीज आपने नोटिस किया होगा कि तुरंत जो है वन टच में गाड़ी चालू हो गई है। ये देखिए, जैसे बटन छू रहा हूँ और तुरंत गाड़ी चालू हो जा रही है, रेव करने का जरूरत भी नहीं पड़ रहा है इस पर। तो अब चलिए इसे परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं। पिकअप तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस पर।